नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको अच्छा टिप्स बताने जा रहा हूं विंडोज 10 का। अगर वो आप टिप्स जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्शन बटन पर क्लिक कीजिए और ऑल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। ऑल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सिस्टम पर क्लिक कीजिए और सिस्टम पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर एक ढंग से एक ऑप्शन देखिए, क्लिपबोर्ड। ये जो ऑप्शन है दोस्तों 18.09 अपडेट के अंदर हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ये किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकता है चलिए जानते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों बंद है। तो ये मदद किस प्रकार करता है, देखिए दोस्तों, क्लिपबोर्ड यानी आप जो भी कॉपी करते हैं ये उसको एक क्लिप के अंदर बोर्ड के अंदर रखता है और आप जब चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं। चलिए कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ऑन करेंगे, इसको ऑन कर लिया। इसको ऑन करने के बाद हमें दो चीज़ ऑन करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सके। तो सबसे पहले मैंने नोट पैड ओपन किया और इस पर कुछ जानकारी लिखी और इसके साथ आप वर्ड, एक्सेल, एमएस पेंट कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिस पर आप पेस्ट करने वाला है। तो हम एक्सेल ले लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये हमारे साथ में एक्सेल है और एक नोट पैड है। अगर आप जैसे मेरा ये नाम लिख रखा है नरेंद्र सिंह वगैरह, आप इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी और यहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट। अब दूसरा एक और डिटेल लिख रखी है, इसको भी आप कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ आकर इसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सीट नंबर 1 है। अगर आप सीट पे 2 पे जाते हैं तो आपको शुरू से इसको भी कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा, इसको भी कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे में समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। अगर आप मल्टीपल या फास्ट या तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड आपकी मदद करेगा। क्लिपबोर्ड कैसे मदद करता है, अगर आप इसको कॉपी करते हैं दोस्तों, कॉपी और विंडोज़ प्लस V बटन दबाते हैं तो ये आपको यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगर आप जैसे इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी या डायरेक्ट भी कॉपी करते हैं और विंडोज़ V बटन दबाते हैं तो इसने इसको भी कॉपी कर लिया। अगर आप इसको भी करते हैं तो इसको भी इसने यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर रख लिया सबको स्टोरेज करके। तो ये आपकी मदद किस प्रकार करेगा, जैसे अगर आप यहाँ आते हैं और विंडोज़ V बटन दबाते हैं, जो पेस्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए वो पेस्ट हो जाएगा। फिर जाइए विंडोज़ V बटन, जो पेस्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए, फटाफट पेस्ट होगा। देखिए कितना तेज़ी से काम, कोई बार बार आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार कॉपी कर लीजिए, बस फटाफट पेस्ट कीजिए। तो इस प्रकार ये आपकी मदद करेगा। अभी इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है हमें दोस्तों, ये सिंक अक्रॉस डिवाइस। इसके अंदर आप कर लेते हैं तो ये आपका सिंक हो जाएगा, यानी अगर आप जब कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये मिटेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए कॉपी हो रखा होगा। तो इसके लिए आप इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो अभी हमारे ये कभी भी मिटेगा नहीं। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इसके अंदर टिप्स बता देता हूँ, जैसे कि विंडोज़ V बटन दबाए, अगर आप इसको पिन कर देते हैं, जैसे कि पिन ऑप्शन होता है पिन, और इसको पिन कर लेते हैं, अगर आप पिन कर लेते हैं ना तो ये आपके हटता नहीं है। जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे तो जो पिन कर रखा है वो हटेगा नहीं, जो आपने पिन नहीं किया वो मिट जाएगा। इसके अलावा अगर आप इनको भी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लीजिए, ये सभी से डिलीट हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो सेटिंग है यहाँ से भी दोस्तों पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोस्तों आपके कॉपी पेस्ट को तेज़ी में बहुत फास्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़, बहुत ही ज़्यादा पेस्ट करते हैं, बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ दोस्तों हम कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। नंबर 1, इसके अंदर आप दोस्तों कोई भी पासपोर्ट, डेबिट कार्ड नंबर, प्रॉपर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं रखनी है। ऐसे में इसका क्या रिस्क है कि कोई बंदा अगर विंडोज़ V बटन दबाकर आपकी डिटेल चेक कर सकता है। तो जो आपकी सेंसिटिविटी जानकारी है वो मत रखिए। और ये 18.09 अपडेट जो वर्जन है ना विंडोज़ का, उसके नीचे नीचे काम करेगा। अगर आप 15.03 या वो प्रॉपर चला रहे तो ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।